तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय चैनल विशु लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा, हिंदू नववर्ष के हिंदू शास्त्र के हिसाब से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। शायद पता नहीं कुछ लोगों को पता है या नहीं पता है, जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छा है, बाकी जिनको नहीं पता है, ये हिंदू शास्त्र के हिसाब से जो ये आज के दिन से नया साल चालू होता है, ठीक है ना। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं इस समय अभी अपने मैं कहीं थोड़ा सा बाहर हूँ, बाहर यानी कि मैं अभी अपनी फैक्ट्री में हूँ और मैं वहाँ से आप ये व्लॉग बना रहा हूँ, वहीं से मैंने स्टार्टिंग करी है। क्योंकि मुझे घर पे क्या था कि मैं उठा, उसी तुरंत फ्रेश हुआ, नहाया धोया और मैं तुरंत आ गया, क्योंकि मुझे अर्जेंटली बाहर जाना था। और माता की चौकी अभी लगी नहीं है, घर में अभी तक उन्होंने तैयार करी नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर में घर जब पहुँचूँगा तो आप लोगों को दिखाऊँगा चौकी कैसी बनी है और कैसी सजाई है घर वालों ने, मम्मा ने। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बाकी अभी तो मैं थोड़ा सा बाहर हूँ। अब ये वीडियो मैंने कल प्लानिंग तो बहुत कुछ करी थी कि सुबह उठूँगा जल्दी, स्टार्टिंग मंदिर से करूँगा, बट आपको पता है हम इंसान हैं, जो सोचते हैं वो थोड़ा कम होता है, समझ रहे हो ना। तो चलो कोई बात नहीं, जैसे भी शुरुआत हो या अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। बाकी अब मैं आप लोगों को एक बार घर पहुँच के अपनी माता की चौकी दिखाऊंगा और वहीं से मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या करते हैं, जो भी होता है कुछ। आज पहला दिन है, मैं कोशिश करूँगा 9 के 9 दिन रेगुलर व्लॉग डालूँ। दोस्तों, सुबह की पहली रील मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर दी है, जाओ जाके सुबह की पहली रील देखो। बाकी और भी रील्स आज डालूँगा मैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। बाकी ठीक है, और जो कुछ यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो है उनको भी प्यार दिया करो यार, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम से नोटिस कर रहा हूँ मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आई थिंक लोग देख नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार को ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ ना यार, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे भी रील्स वगैरह देखो, ये जो होता है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। दोस्तों, तुम्हारा भाई है अपने घर पे और शाम के बजे हैं करीबन 6:15 के करीब। बाकी अभी अभी आया हूँ बाहर से और आप लोगों को एक चीज़ बताना मैं भूल गया, मेरे को नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आज तुम्हारा भाई सुबह से भूखा है, क्योंकि आज तुम्हारे भाई का व्रत था। हाँ तो दोस्तों, तुम्हारे भाई का आज था व्रत, नवरात्रि का पहले दिन में तुम्हारे भाई ने रखा है व्रत, तो इसलिए थोड़ी सी नींद आ रही थी। लेकिन घर वाले ने मना कर दिया, कह रहे व्रत में सोना नहीं चाहिए वरना वो व्रत लगता नहीं है, तो नींद कैंसिल। और बाकी ठीक है, रात को देखते हैं अब क्या बनता है क्या नहीं बनता है। लेकिन हाँ, रात को मैं जाऊँगा झंडे वाले मंदिर। जो नहीं जानते हैं बता दूँ, हमारे दिल्ली में टेंपल है झंडे वाले मंदिर, हमारे वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और वो माता का मंदिर है। तो शाम को हम वहीं जाएंगे, रात को करीबन 9:30 बजे के करीब, थोड़ा सा ठंडा सा माहौल हो जाएगा क्योंकि बाहर गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, तो ठीक है ना। तो आप लोगों को दिखाएंगे और देखेंगे कि हम वहाँ पे क्या कैसे दर्शन होते हैं, कैसा मंदिर है, आप लोगों को सब दिखाऊंगा, ठीक है ना। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ कुछ रील्स बनाने के लिए बाहर। तो रील्स मैंने बना ली है अपने, कहीं नहीं गया यार, छत भी बना ली और अपलोड भी कर दी है 2-3 रील। तो आप जाइए जाके देखिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे विशाल पांचाल के नाम से, @VIISHAL5ANCHAL। जाइए देखिए यार, भाई की रील्स देखिए, बड़ी ज़बरदस्त रील है, और सपोर्ट कीजिए वहाँ पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे भी मेरे को ज़्यादा से लोग फॉलो कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। बाकी झंडे वाले मंदिर जाएंगे भी थोड़ी देर में, फिर दिखाएंगे आप लोगों को कैसा सज रहा है। पहले दिन कोशिश करूँगा 9 के 9 दिन वीडियो डालूँगा, ठीक है, क्योंकि कुछ और भी सोच रखा है
9 के 9 दिन के लिए, बाकी देखते हैं वो चीज़ पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बाकी आप लोगों को सपोर्ट चाहिए बस, और क्या। ठीक है, मिलते हैं झंडे वाले मंदिर दोस्तों। तैयारी हो रही है झंडे वाले माता के मंदिर जाने की, ठीक है ना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्ट वहीं पर ही, ठीक है। मास्क डाल लेते हैं क्योंकि बगैर मास्क के वहाँ पे एंट्री है नहीं, और मास्क लगा लेते हैं, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और सोची है कि मैं आपको बता रहा था ना कि मैंने कुछ सोचा है, मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी सी अब थोड़ा सा फिटनेस पे काम करूँगा, देखते हैं बाकी 9 दिन में क्या फ़र्क आएगा। बाकी पहले झंडे वाले मंदिर चलते हैं, बाद में देखेंगे। तो दोस्तों अभी हम हैं बैटरी रिक्शा में। हाँ ठीक है, अब आप लोग देख रहे हो अभी हमें बैटरी रिक्शे में, और अभी हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों को एक टॉलेस्ट बिल्डिंग दिखा रहा हूँ दिल्ली की, इस समय जो कि दिल्ली का बुर्ज खलीफा है यार। वो बिल्डिंग तो निकल गई, तो कोई है वैसे पीछे ही है मेरे पर, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रही, बट आते समय देखते हैं फिर दिखाऊँगा आप लोगों को। और शायद थोड़े बहुत सीन्स में आ भी गई हूँ, बाकी अभी मिलते हैं झंडे वाले मंदिर में। भाई लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत लंबी लाइन है, और लंबी लाइन के एंड में चालू हो गए दोस्तों। लाइन देखो कितनी लंबी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों बात ऐसी है, चेक इन होकर के अब हम आ गए हैं अंदर, और देखो रश तो है लेकिन इतना रश नहीं है, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा रश तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत है। बाकी दिन में ज़्यादा रश होता है ऑब्वियस ही बात है, और आज तो सैटरडे वैसे ही है, कल भी बहुत रश होगा क्योंकि कल सैटरडे संडे छुट्टी होती है, गवर्नमेंट छुट्टी होती है, बहुत रश होगा। बाकी अभी तो रात को तो इतना है नहीं, दिख नहीं रहा, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये लोग यहाँ से आ रहे हैं, लगता है ज़्यादा नहीं तो करीबन करीबन जिस लाइन में इस समय हम चल रहे हैं ना उसमें 300-400 आदमी होगा लाइन में, शायद 300-400 पक्का, 300-400 से ज़्यादा ही होगा ज़्यादा मेरे ख्याल है, लेकिन फिर भी तकलीफ नहीं हो रही क्योंकि लाइन चल रही है। तो आज आपको मेरी थोड़ी स्लो आ रही है क्योंकि मैं खुद ही जानबूझ के स्लो बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी कार बनाना थोड़ा सा ऐसे ही है। वन पुलिस वाला था भाई, मास्क उसके अपने पेट पे लगा रखा है, मास्क पेट पे कौन लगाता है, अभी सुंडी को सांस दिला रहा है वो, मास्क पेट पे ब्रो। मुझे ऐसा लगता है जो लड़कों का ग्रुप आता है ना यहाँ पे 8-8, 10-12 लड़कों का, मुझे लगता है लोग दर्शन वर्शन करने कम आते हैं, खाने पीने ज़्यादा आते हैं। देखो मेरे पीछे भी अभी कुछ यहाँ पे साथ में लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ है, भाई साहब दुराटे काट रहे हैं बहुत ज़बरदस्त लेवल पे, बहुत ज़बरदस्त लेवल पर दुराटे काट रहे हैं, ओम्फो भी कर रहे हैं। चलो सही है भाई, उनकी लाइफ है कि बोल साचे दरबार की जय। इन्हें देखो, मतलब ये लोग यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, भैया अपने दर्शन करो माता के और अपने अपने घर जाओ, लेकिन ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो फोटो शूट, कुछ फोटो शूट कर रहे हैं और कुछ ने तो अपना यहीं पर ही अपना महफिल बैठा लिया, तसल्ली से बैठे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं बस। सही करा है उन्होंने, मतलब जीने की जगह पहले यहाँ पे जीने होते थे, अब इन्होंने जीने की जगह ये बना दी है, मतलब ये बढ़िया है। जैसे जो बुजुर्ग होते थे बेचारे चढ़ नहीं पाते थे, लेकिन ये बेटर है, इन्होंने ये ढलान टाइप बना दिया। जबरदस्त
पानी तो बहुत बढ़िया था यार, एकदम मजा आ गया भाई, ठंडक से आ गई। ऐसा पानी तुम्हारे घर में जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से मंदिर से बाहर आ चुके हैं। बाकी डेकोरेशन तो बहुत ज़बरदस्त कर रखी है, बहुत जगह ये बड़ा प्रसाद। दोस्तों प्रसाद मिल चुका है, ये रहा मेरे हाथ में, लेकिन आज मेरा व्रत है, मैं अभी नहीं खा पाऊँगा, कल ही खा पाऊँगा रात के 12 बजे के बाद। फाइनली भाई बाहर आ गए हैं, बहुत भीड़ थी लेकिन दर्शन अच्छे हो गए, भीड़ होती दर्शन तब भी मज़े ही आते हैं। भाई ये ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी ब्लॉग तो ये मैं वैसे भी आपको पता है जिस दिन बनाता हूँ उसी दिन अपलोड कर देता हूँ, और कभी कभार लेट हो जाता है, जैसे लास्ट ब्लॉग जैसे काफ़ी लेट हो गए, मंगलवार का ब्लॉग आ रहा है, वीरवार को फिर तो ठीक है। बाकी ब्लॉग को प्यार करो यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।